इंडिया में हो गया सबसे बड़े गुमनाम खिलाड़ी का सिलेक्शन, सचिन को मानता है भगवान। न कोई बड़ा नाम, न बड़ी पहचान, न खेलने को गांव में था मैदान, न थी खाने को रोटी, न ही रहने के लिए ठीक से छत, न देखी थी कभी रेड बॉल। बिहार का राज जिसने गरीबी में काटा जीवन, अब टेस्ट में टीम इंडिया की संभालेगा कमान। पहले पिता को खोया, फिर भाई को खोया, अब हालातों से लड़कर टीम इंडिया में हो गया शामिल, बनेगा भारत का सुनहरा भविष्य। जी, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, उसमें एक ऐसा नाम सामने आया जिसको देखकर हर कोई चौंक गया। आज हर तरफ इसी नाम की चर्चा है, इसी खिलाड़ी की चर्चा है, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत खास है। नाम है आकाशदीप। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के रहने वाले आकाशदीप वो चेहरा है जो टीम इंडिया की बाकी की 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में शामिल किए गए हैं। अब आकाशदीप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार जैसे दिग्गजों के साथ टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे। 27 साल के आकाशदीप पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए हैं। इससे पहले उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय वनडे टीम में चुना गया था, लेकिन वो डेब्यू नहीं कर पाए। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कैप मिलने की उम्मीद है। ये वही आकाशदीप हैं जो बिहार के छोटे से गांव से टीम इंडिया तक पहुंचे हैं, लेकिन इनका सफर आसान नहीं था। 16 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उसके 6 महीने बाद ही भाई का भी निधन हो गया था। बहुत ही अभाव में पूरा जीवन बीता। कोई दूसरा होता तो टूट जाता, बिखर जाता, लेकिन आकाशदीप निखर गए। पिता और भाई को खोने के बाद आकाश बहन के साथ दिल्ली चले गए और अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। फिर बंगाल का रुख किया और क्लब क्रिकेट खेला। बाद में घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से खेलते हुए नजर आए। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए आकाश को न केवल अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, बल्कि अपना राज्य भी छोड़ना पड़ा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर बैन की वजह से उन्हें बंगाल जाना पड़ा। आकाशदीप बताते हैं, उस समय हमारे यहाँ क्रिकेट था ही नहीं। वहाँ न तो मैदान था, न ही टर्फ विकेट। रेड बॉल तो हमने देखी ही नहीं थी। पापा की बीमारी की वजह से हम बाहर नहीं जा पाते थे। पापा के निधन के 6 महीने बाद भैया भी चले गए। पापा और भैया की डेथ के बाद बड़ी बहन घर आई, वो मुझे अपने साथ दिल्ली ले गई। वहाँ उदासी से बचने के लिए मैंने क्रिकेट खेलने लगा। 2-3 महीने प्रैक्टिस के बाद बारिश का मौसम आ गया। ऐसे में एक दोस्त के बुलाने पर मैं डिवीजन के ट्रायल देने के लिए बंगाल चला गया। वहाँ यूनाइटेड क्लब के कोच ने मुझे एक मैच में मौका दिया। प्रदर्शन के बाद अंडर 23 टीम में नाम भी आ गया, लेकिन इंजरी की वजह से उस साल मैं खेल नहीं पाया। इसके बाद मुझे टीम के साथ रखा गया और बेंगलुरु में मैंने रिहैब किया। इलाज के बाद मैं प्रदर्शन करता रहा और मौके मिलते रहे। ये वही आकाशदीप हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया की वनडे टीम में भी चुना गया था, लेकिन डेब्यू नहीं मिला। जिसके बाद उनसे पूछा गया कि अब आप क्या उम्मीद करते हैं, तो आकाशदीप कहते हैं, 3-4 साल से मैं आईपीएल टीम का हिस्सा हूँ। हर ड्रेसिंग रूम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। मुझे डेब्यू कैप की उम्मीद है। अगर टीम मैनेजमेंट मुझे मैच खिलाने का फैसला करता है तो मैं जो करते आया हूँ वही करूँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ। वही जब उनसे पूछा गया कि बुमराह सिराज के साथ आप गेंदबाजी करेंगे, ऐसे में आपकी गेंदबाजी की रणनीति क्या होगी, आपके ऊपर क्या कोई दबाव है, तो आकाशदीप बोलते हैं, हाँ थोड़ा दबाव हो सकता है, प्रेशर से गेम में निखार आता है। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इतने दिन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, जो मैं करता आया हूँ वही करूँगा। जो मेरी स्ट्रेंथ है आगे भी मैं वही करूँगा। आपको बता दें, आकाशदीप के बल्लेबाजी आइडल सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वही आकाशदीप के भी भगवान है। कुल मिलाकर एक गुमनाम चेहरा जिससे आज तक बहुत ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन अब जरूर पहचानेंगे। वो टीम इंडिया में आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाशदीप को क्या प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या फिर नहीं। वैसे आकाशदीप की कहानी आपको कैसी लगी, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।